हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, सबका एक मैसेज आ रहा था कि सर बीसीसी 2020 का काउंसलिंग कब होगा, एग्रीकल्चर वालों का काउंसलिंग कब होगा, बीएससी नर्सिंग वालों का, फार्मेसी वालों को कब होगा। सब मैसेज जिसको जो मन में आ रहा है मैसेज कर रहा है सर कैसे होगा। तो सुनिए मेरी बात, किसी ने और बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया था, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भी भेजा था, गूगल वेबसाइट पे चेक करके वेबसाइट भी चेक कर रहा है। लेकिन जो ओरिजिनल वेबसाइट दिया गया है बिहार बोर्ड का यानी बीसीसी बोर्ड का, bccboard.gov.in पर जाके चेक कीजिए, वही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वहीं पे होगा। हाँ, बहुत सारे आप ऐसे भी बहुत सारे थर्ड पार्टी का वेबसाइट है, वहां पे देखिए देखा दे रहा होगा कि बीसीसी का काउंसलिंग जो है 9 नवंबर से हो रहा है ना, वास्तव में हो रहा है। लेकिन सुनिए मेरी बात समझिए, किसके लिए हो रहा है बता रहे हैं। बहुत सारे ने उसका स्क्रीनशॉट लिया स्टूडेंट ने, सर भेजा कि सर देखो ये 9 नवंबर से दिया हुआ, तो क्या हम लोग का छूट गया कि क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा। अभी तो कुछ पता भी नहीं चल रहा कि बीसीसी का काउंसलिंग बीसीसी का होगा कि नहीं होगा, कि 9 नवंबर से दे रहा था। सर सुनिए मेरे बात, वेबसाइट पर जितने भी स्टूडेंट चेक किए होंगे, वेबसाइट का नाम लिख लीजिए, मेन ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिस का वेबसाइट हो गया समझो ना, ऑफिशियल, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट आप लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, समझिएगा, bccboard.gov.in ई वाला सर्च कर लीजिए, bccboard.gov.in पर सर्च कर लीजिए। यहां पे जाइएगा तो राइट साइड में देखिएगा, राइट साइड में ऊपर में एक होम का बटन लिखा होगा, होम के बटन पे क्लिक कीजिएगा। होम के बटन पे क्लिक करते ही आपका लेटेस्ट अपडेट वहां पे बगल में तुरंत नीचे लेटेस्ट अपडेट दिखाएगा, उसमें जाइएगा। जितना आप अगर देखिए, और भी लोग वेबसाइट पे देखना बोल रहे हैं ना, सही बच्चा बोल रहे हैं सर हम ये वाला वेबसाइट पे देखे थे, अच्छी दिखाए, ये वाला वेबसाइट पे दिखाए, तो 9 नवंबर दिखा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल 9 नवंबर से बीसीसी का काउंसलिंग हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है ये भी सुनिए। आपका देखिए, आप जो भी वेबसाइट पे चेक किए होंगे तो 9 नवंबर हमारे पास स्क्रीनशॉट भी कुछ बच्चे भेजे हैं, कुछ गर्ल्स लोग भी भेजे हैं कि सर देखिए 9 नवंबर से दे रहा है, आपने बताया भी नहीं। तो सुनो मेरी बात, 9 नवंबर से दे रहा है तो उस जिस वेबसाइट पे आप चेक कर रहे हैं उस वेबसाइट पे जाइए, आप पूरा डिटेल उसके बारे में पढ़िए, तो उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ होगा UGMAC और UGESC, ये दो चीज लिखा हुआ आएगा, ये दो चीज जरूर लिखा हुआ आएगा, देखिएगा पढ़िएगा बढ़िया से, ना कि ये वाला BCECE, ये चीज लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, लिखा हुआ चीज मिलेगा, ये वाला लिखा हुआ, इसको बोलते हैं बिहार कंबाइंड इंटरेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोर्ड, ये बोर्ड है और यही बोर्ड इसका काउंसलिंग करवा रहा है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग इसका करवा रहा है, समझे ना। इसका इसमें वैसे स्टूडेंट कर रहे हैं जो नीट का फॉर्म भरे थे, जो नीट भरे थे, और इसमें वैसे स्टूडेंट जो जेई मेंस भरे थे, जेई मेंस का फॉर्म। अब सुनिए, कोई भी वेबसाइट पे आप चेक करते हैं, चाहे जो वेबसाइट लो, अब गूगल पर जाओ, ऐसे भी चेक कर लो बीसीसी काउंसलिंग 2020, तो काउंसलिंग 2020 करोगे ना तो बहुत सा वेबसाइट आ जाता है, सब वेबसाइट पे दे रहा है कि 9 नवंबर से हो रहा है, 9 नवंबर से हो रहा है। अरे भाई, 9 नवंबर से सही बात हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है, तो इसके लिए हो रहा है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग। अरे जो नीट का एग्जाम भरा है ना, वो ये बोर्ड है, बिहार कंबाइंड बोर्ड है, ये बोर्ड ये वाला एग्जाम भी लेता है। तो आपने जो फॉर्म भरा है ना, जिसका 30 अक्टूबर को रिजल्ट आया है, ये वाला एकरा में होता है बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी और ओटी, ऑप्थेल्मिक, सब एकरा में आता है। तो एकरा में जो आता है ना, एकरा नहीं काउंसलिंग हो रहा है, एकरा हो रहा है, यानी बोर्ड है, आई बोर्ड कह रहा है कि जो नीट का एग्जाम दिया है, देखिए लेटेस्ट अपडेट कल रात में एक अपडेट आया है इसके बारे में, चॉइस फिलिंग, देखिए बगल में कोस्ट में करके लिखा होगा नीट यूजी। अरे होम के बटन पे जाओ, होम के बटन पे क्लिक करो, लेटेस्ट अपडेट देखो, वहां पे बगल में तुरंत दिखाई देगा
लेटेस्ट अपडेट में क्या दिखाई देगा, UGEMSE यानी नीट लिख रहा है, काउंसलिंग दे रहा है 17 से काउंसलिंग फिर इसका दिया, लेकिन चॉइस फिलिंग का दिया है, यानी नीट जो किया था ना दोस्त, जो नीट का फॉर्म भरा है और जेई में जो जेई का फॉर्म भरा था इंजीनियरिंग का, उसका 9 नवंबर से स्टार्ट था, सेकेंड राउंड 22-12 सब दे रहा था डेट, वही बीसीसी का काउंसलिंग हो रहा है, और जो मेन बीसीसी काउंसलिंग हो रहा है ना एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सारे का भी नहीं हो रहा है, समझे ना। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो कोई भी वेबसाइट पर जाइएगा तो डायरेक्ट देखिएगा, आप खाली गूगल पर इसे सर्च कर लीजिए बीसीसी काउंसलिंग 2020, बड़ी बड़ी वेबसाइट आ जाएगा, वो कोई भी वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा, मेन ऑफिशियल वेबसाइट ये वाला है, इस पर सर्च कीजिए, इस पर लेटेस्ट अपडेट कुछ ऐबे नहीं किया है बीसीसी काउंसलिंग के बारे में। हाँ, अगर आपको ज्यादा डिटेल जानना है ना तो देखिए एक बटन का आपका एक स्क्रीन पर, देखिए स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है बीसीसी का, आप जाइए उस नंबर पे, मोबाइल पे नंबर वो सेव कीजिए और कॉल कर दीजिए, बीसीसी बोर्ड ऑफिस लगेगा, हमने भी कॉल किया है, हमने भी बात किया था, एग्रीकल्चर का नहीं हुआ है, और हमने 2-3 बार ट्राई किया तो कॉल जल्दी कोई रिसीव नहीं करता, देखिए टेलीफोन का नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, नंबर पे कॉल कीजिए, बीसीसी बोर्ड ऑफिस लगेगा डायरेक्ट, वहां से कोई भी उठाए वहां से बात कर लीजिए, सर एग्रीकल्चर वाला का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बी फार्मा जो हम भरे थे बीसीसी नर्सिंग आपका अंडर ग्रेजुएट, पूछिए क्या पूछना आप कॉल करके, बोलिएगा सर प्रणाम भी कीजिएगा, बोलिएगा सर नंबर पे कॉल कीजिएगा, बोलिएगा सर हमने जो 30 अक्टूबर को रिजल्ट आया बीसीसी का, 30 अक्टूबर को जिसका एग्जाम 10 अक्टूबर को हुआ था, क्या उसका काउंसलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता चल जाएगा, लेकिन जल्दी कॉल उसका रिसीव नहीं होता, ट्राई करते रहिएगा रिसीव कोई ना कोई कर लेगा, ठीक है। हाँ, आप कोई भी वेबसाइट पे चेक कीजिएगा तो देखिएगा ये चीज लिखा हुआ होगा UGEMSE और UGEESE, यानी जो नीट का फॉर्म भरा, जेईई मेंस का फॉर्म भरा, उसका काउंसलिंग बिहार बीसीसी यानी बिहार कंबाइंड इंटरेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोर्ड के थ्रू हो रहा है, यानी बिहार में एडमिशन हो रहा है, ना कि इसका हो रहा है बीसीसी, इसका नहीं हो रहा है दोस्त, इसका अभी नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, बार बार बताते हैं बीसीसी का भी डेट, कोई डेट आई भी नहीं क्या लेटेस्ट अपडेट, आप वेबसाइट पर जाइएगा लेटेस्ट अपडेट चेक करते रहिएगा, जब भी बीसीसी यानी बीसीसी बोर्ड का जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा रात 7 बजे के बाद आता है, समझे ना, तो रात में डेली चेक कीजिएगा 7 बजे के बाद, जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, समझे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।